नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की अपेक्स कमेटी की बैठक के उपरांत जिला क्रिकेट संघ झांसी का एक प्रतिनिधि मंडल विजय खन्ना के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष निधिपति सिंघानिया के वार्ता के बाद बैठक में आए। उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रजिस्ट्रार से पंजीकृत जिला क्रिकेट संघ झांसी को बगैर किसी कारण के उसका नाम बदलकर किसी एक जैसे नाम की कंपनी दूसरी संस्था को कैसे मान्यता उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ ने प्रदान की है, उस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि न्यायालय ने भी जिला क्रिकेट संघ झांसी को चलन में माना है। इस पर उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के प्रतिनिधि उत्तम के सरवानी ने आश्वासन दिया है कि वह जिला क्रिकेट संघ झांसी की ज्ञापन में बातों को अध्यक्ष ज्ञापन में की गई बातों को अध्यक्ष एवं राजीव शुक्ला के संज्ञान में अवश्य लाएंगे और आप लोगों को न्याय अवश्य मिलेगा। आप लोग पिछले 40 वर्षों से झांसी के क्रिकेट के उत्थान के लिए कार्यशील रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल में जिला क्रिकेट संघ झांसी के सचिव ब्रजेंद्र यादव, कोषाध्यक्ष निमेश खन्ना, सुनील शर्मा, प्रकाश राजवाधा, सुदर्शन शिवारी, मनमोहन, मनु, जयकिशन प्रेमानी, श्याम सुंदर कौशल, दीपक वर्मा, कैलाश तिवारी, अरविंद तिवारी आदि मौजूद रहे। सर, आज जो ज्ञापन दिया है, क्या भाई साहब, पहली चीज तो ये था कि मैं प्रेसिडेंट साहब के निर्देशक अनुसार मैं अर्चना मिश्रा जी को यहाँ लेके आया हूँ कि उनकी चांद की सुरक्षा को लेके जो तमाम अफवाहें उड़ाई जा रही थी उसको तो मीटिंग अटेंड कराने के लिए। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग मुझे आके मिल रहे हैं और थोड़ा सा लोग कर रहे थे चिल्लाने के लिए, होटिंग के लिए भी कि हम जिंदाबाद ये सब करेंगे। हमने इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि साहब ऐसा कुछ ना करिए, कोई बात है तो आप बताओ, हम बात करेंगे। तो इस पर बोलो आप लोग तैयार हो गए, मैं इनका बड़ा आभारी हूँ कि कोई तरह की कोई चीज़ उन्होंने नहीं करी। जितनी चीज़ें सब कुछ इन्होंने हमको बैठ के समझा दिया है, सब चीज़ें बता दी हैं। मैं इसको मैनेजमेंट के आगे अपने अध्यक्ष जी और राजीव शुक्ला जी के आगे रखूंगा और जो भी होगा इसका निस्तारण जो कुछ भी होगा वो भैया को बताएंगे हम। और कहीं कुछ चीज़ें कोई छुपी नहीं है, यूपी सीएम में कोई दिक्कत भी नहीं है, जरा सी प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। और मैं पूरा श्योर देता हूँ कि दोनों की तरफ से चीज़ें आपको अपडेट कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश अपेक्स कमेटी की बैठक थी और उस बैठक में उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सिंघानिया साहब के प्रतिनिधि बनकर आए केसरवानी जी को। आज हमने एक अपनी जिला क्रिकेट संघ झांसी की को लेकर एक ज्ञापन दिया है। उसमें हम लोगों ने निवेदन किया है कि हमारी एसोसिएशन विगत 40 वर्षों से पंजीकृत है और यकायक उसे कंपनी में परिवर्तित कर उसे कंपनी बना दी गई और हमारी एसोसिएशन से मान्यता ले ली गई। तो मैं यही निवेदन के साथ आज मिला हूँ किशरवानी जी से कि हमारे साथ न्याय हो और मेरी हमारी बात, हमारे जिला क्रिकेट संघ की झांसी की बात अध्यक्ष जी और राजीव शुक्ला तक पहुँचाई जाए। और एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और कंपनी का जो केस चल रहा था उस पर प्रथम हम लोग एक अपील जीत गए हैं न्यायालय के द्वारा। तो अब इसमें कहीं दुविधा नहीं रही कि हमारी एसोसिएशन चलन में नहीं है, हमारी एसोसिएशन भी चलन में है। तो मैं ये एक बार फिर पुनः निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से और राजीव शुक्ला सर से कि वो अपना कृतार्थ जिला क्रिकेट संघ झांसी पर जैसे पहले था 40 वर्षों से वैसे ही बनाए।